इंडियन इन्फॉर्मेटिव स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यासिर मसरूर। रामपुर में उपचुनाव 2019 की जंग जो है जारी है। 2019 के उपचुनाव के लिए वो घमासान जो है वो उरूज पे है। आजम खान ने अपनी बीवी तंजीम फातिमा को चुनाव में उतारा है, वहीं पर बीजेपी के प्रत्याशी जो हैं वो भारत भूषण होंगे। सबने अपनी ताकत जो है वो झोंक दी है। अखिलेश यादव से लेके आदित्य योगीनाथ जी तक जो हैं वो रामपुर आ चुके हैं, क्योंकि ये सीट जो है ये अहम है। रामपुर को जो है वो आजम खां का गढ़ माना जाता है, क्योंकि रामपुर जो है यहाँ से 9 बार जो है जीत चुके हैं। वोटिंग के लिए एज यूजुअल रामपुर में जो है जनता जो है उल्लास है। जिस तरह से रामपुर की जनता जो है वो खुल के वोट डालती है, इस बार भी रामपुर की जनता जो है वो मैक्सिमम वोट जो है अपने कास्ट करना चाहती है। हालांकि लोकसभा में जो है ये आंकड़ा थोड़ा कम रह गया था, लेकिन वहीं रामपुर में ऐसा पक्ष भी नजर आ रहा है जो कि नोटा पर जोर दे रहा है। जी हाँ, नन ऑफ द अबव, जो कि नोटा के पक्ष में है। खबरें भी सुनने को आ रही हैं, बल्कि इस तरह की अफवाहें जिला रामपुर से सुनने में आ रही हैं, अगर नोटा को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं, यानी कि नोटा को सबसे ज्यादा बार अगर दबाया जाता है, तो अगर मैक्सिमम वोट नोटा पाता है तो जो कैंडिडेट्स लड़ रहे हैं यानी कि आजम खां और भारत भूषण, जब री इलेक्शन होगा तो उनको जो है चुनाव लड़ने का मौका नहीं दिया जाएगा, ऐसा माने जा रहा है। बल्कि हकीकत में ऐसा नहीं है। हालांकि नगर निगम चुनाव जो हुए थे चंडीगढ़ पानीपत में, तो उसमें ये रूल लागू किया गया था। ये रूल लागू किया गया था कि अगर नोटा में सबसे ज़्यादा वोट, नोटा को असल में जो है एक डमी कैंडिडेट्स के तौर पर जो है वो देखा जा रहा था कि अगर सबसे ज़्यादा वोट नोटा को मिलते हैं तो उसके बाद जो है री इलेक्शन होगा, और री इलेक्शन में वो कैंडिडेट्स चुनाव नहीं लड़ेंगे जो पहले चुनाव लड़े थे। तो इसके तर्क पे शायद रामपुर में भी लोग यही समझ रहे हैं कि रामपुर में भी ऐसा ही होगा कि अगर सबसे ज़्यादा वोट नोटा को मिलते हैं तो दोबारा चुनाव होंगे, और दोबारा चुनाव होंगे तो आजम खां को जो है वो मौका नहीं मिलेगा और भारत भूषण भी जो है वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, जबकि हकीकत में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये चंडीगढ़ के नगर निगम के जो चुनाव थे उसमें हुआ था। हम आपको नोटा की हकीकत ये बता दें, अगर 10 वोट पड़ते हैं, अगर मान लीजिए 10 वोट जो हैं वो रामपुर में डाले जाते हैं और 9 वोट जो हैं अगर नोटा को मिलते हैं और 1 वोट किसी और कैंडिडेट को मिलता है, तो जो किसी और कैंडिडेट है, क्या है उसमें आजम खां हो, क्या है उसमें भारत भूषण हो, या कुछ में कोई अन्य हो, उनको जो है जीत दी जाएगी। मतलब के नोटा के बाद जिसके सबसे ज़्यादा वोट होंगे उसको ही जो है वो जीत दिए जाएगी, उसको जो है वो विनर घोषित किया जाएगा। तो देखना ये होगा कि रामपुर की जनता जो है वो क्या फैसला देती है, क्या रामपुर की जनता आजम खां को दोबारा विजयी बनाती है या फिर भारत भूषण जो है वो बाजी मारते हैं, क्योंकि दोनों ही पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो रामपुर में आ चुके हैं। चाहे हम बात कर लें CM योगी आदित्यनाथ की, चाहे हम बात कर लें अखिलेश यादव की, दोनों ही पार्टी के बड़े नेताओं ने आकर जो है वो पुरजोर कोशिश की है कि उनका कैंडिडेट जो है वो चुनाव जीते। आजम खां क्या अपना गढ़ बचा पाएंगे, ये बड़ा सवाल जो है ये हम आपके लिए छोड़ते हैं, या भारत भूषण जो है इस बार आजम खां को जो है वो मात दे पाएंगे, ये सवाल भी हम आपके लिए छोड़ते हैं। तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। वाकई रामपुर के चुनाव की अपडेट के लिए आप बने रहिए द इंडियन इन्फॉर्मेटिव स्टूडियो के साथ। जय हिंद।